हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉरर लैंड। आई नो कि आप सभी ने जीपर्स एंड क्रीपर्स मूवी सीरीज ज़रूर देखी होगी। ये एक ट्रायलॉजी मूवी है जो कि 2001, 2003 एंड 2017 में थिएटर में रिलीज हुई थी। और अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि ये तीनों मूवीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड्स में। और आपने ये मूवी नहीं देखी या कोई भी पार्ट मिस किया है तो डोंट वरी, मैं इस मूवी के तीनों पार्ट्स को एक अरेंज्ड वे में एक्सप्लेन करूँगा। दरअसल ये मूवी एक वीक के टाइम पीरियड को कवर करती है, मतलब जो भी घटनाएं हुई हैं वो इस एक वीक के अंदर ही हुई है। मूवी का थर्ड पार्ट 2017 में रिलीज़ हुआ था, लेकिन टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मूवी का पार्ट थ्री पार्ट वन के आगे की स्टोरी है। तो मैं एक ही वीडियो में सभी पार्ट की टाइमलाइन को एक अरेंज्ड वे में एक्सप्लेन करूँगा। और हम जीपर्स एंड क्रीपर्स के ओरिजिन और थ्योरीज़ के बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाएँ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति हाथ में धारदार हथियार लिए हुए भाग रहा था, और उसके पीछे हम एक शैतान यानी कि क्रीपर को उसकी तरफ आता हुआ देखते हैं, और वो उस आदमी का पीछा कर रहा था। वो आदमी एक कार के पास आकर रुकता है, तभी क्रीपर उसे उठाकर अपने साथ ऊपर ले जाता है, और कुछ ही देर बाद उस आदमी का हथियार और क्रीपर का कटा हुआ हाथ आसमान से नीचे आता है, और ये सीन यही कट हो जाता है। अब इस घटना को बीते हुए 23 साल हो चुके थे, और हम देखते हैं कि डेरी और ट्रिश जो कि भाई बहन थे, वो शहर से अपने होम टाउन ट्रिश की कार में जा रहे थे, और उनका होम टाउन शहर से बहुत ही दूर था, इसीलिए कार का सफ़र काफ़ी लंबा था। डेरी बहुत ही ख़राब ड्राइविंग कर रहा था और तेज़ स्पीड में रास्ते में आने वाली गाड़ियों को ओवरटेक कर रहा था। वो एक वैन को ओवरटेक करके आगे निकलता है, और हम पीछे देखते हैं कि वो वैन रास्ते से पलट जाती है, और पीछे से एक पुराना जंग लगा हुआ ट्रक उनकी तरफ आ रहा था, और वो ट्रक डेरी और ट्रिश की कार के पास आकर बहुत ही करीब से कट मारकर चला जाता है, जिससे ट्रिश और डेरी डर के मारे कांप जाते हैं। ट्रिश डेरी को बताती है कि आज से ठीक 23 साल पहले केनी और डार्ला नाम के कपल इसी हाईवे से गायब हो गए थे, जिसका मजाक उड़ाते हुए डेरी यह कहता है कि ये सब अफवाह लोग इसीलिए फैलाते हैं ताकि कोई भी हाईवे पर तेज ड्राइव ना करे। दोनों कार से काफ़ी दूर आ गए थे और उन्हें रास्ते में वही जंग लगा हुआ ट्रक दिखता है। उस ट्रक से एक आदमी चादर में लिपटी हुई कोई चीज़ निकालकर एक बड़े से पाइप में डाल रहा था, तभी वो आदमी पास से निकल रही ट्रिश और डेरी की कार को देख लेता है और अपने ट्रक में सवार होकर उनके पीछे चल देता है, जिसे देखकर डेरी और ट्रिश काफ़ी डर जाते हैं। ट्रिश मदद मांगने के लिए पुलिस को फ़ोन करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। वो ट्रक दोनों की कार को एक जोरदार टक्कर मारता है, जिससे कि उनकी कार का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया था, और वो उस ट्रक से बचने के लिए अपनी कार को हाईवे से उतार कर कच्चे मैदान में ले आते हैं, और वो ट्रक आगे निकल जाता है। ऐसे समय में डेरी को सीधा घर या पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, लेकिन वो पाइप को चेक करने के लिए वापस पीछे जाकर यह जानना चाहता था कि आखिर वो आदमी उस पाइप में डाल क्या रहा था। ट्रिश के ना चाहते हुए भी डेरी वहाँ खुद भी जाता है और ट्रिश को भी ले जाता है। वो वहाँ एक बहुत ही पुराने खाली चर्च को देखते हैं, जिसके पास वो ट्रक खड़ा हुआ था और नज़दीकी वही पाइप था। डेरी पाइप को चेक करने के लिए खुद अंदर जाता है और ट्रिश को बाहर निगरानी के लिए खड़ा करता है। डेरी उस पाइप से सीधा एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है, जिससे कि डेरी के हाथ में चोट आती है। डेरी अंदर ये नोटिस करता है कि वो उस चर्च के तहखाने में है और वो पाइप बहुत ही ऊपर था। इसका सीधा मतलब यह था कि डेरी अंदर फंस चुका है। उसे अंदर चादर में लिपटी एक बॉडी दिखती है, और जब वो चादर हटाता है तो उसे एक लड़का दिखता है जिसके पेट को सुई और धागे से सिला हुआ था, और वो लड़का अभी भी जिंदा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके पेट का कोई पार्ट निकालकर उसके पेट को वापस सिल दिया गया हो। डेरी यह देखकर काफ़ी डर चुका था और वो ट्रिश को मदद मांगने के लिए भेजता है, लेकिन आसपास ना तो कोई रहता था और ना ही कोई गाड़ी पास से गुजर रही थी। अंदर डेरी देखता है कि कई सारे केमिकल्स और हथियार बनाने का सामान रखा हुआ है, और वो तहखाने की छत और दीवारों पर कई सारी लाशें टंगी हुई देखता है जो कि आपस में जुड़ी हुई थी। वो सारी लाशें वेल प्रिजर्व थी, जिसमें जरा सी भी सड़न नहीं लगी हुई थी। डेरी की हालत डर के मारे काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है और देखता है कि सामने एक कपल की लाश टंगी है, जिनकी बॉडी सुई और धागे से आपस में जुड़ी हुई है। उन लाशों के हाथ में अभी भी उनकी वेडिंग रिंग थी, जिस पर डार्ला लिखा हुआ था, और ये वही कपल थे जो कि 23 साल पहले गायब हो चुके थे। बाहर ट्रिश कार में बैठी मदद का इंतज़ार कर रही थी, तभी डेरी अचानक कार की खिड़की पर मारता है, जिससे ट्रिश डर जाती है। वो डेरी को जल्दी से कार में बिठाती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। डेरी उस चर्च का नज़ारा देखकर इतना डर गया था कि पूरे रास्ते एक शब्द नहीं बोलता। ट्रिश और डेरी एक रेस्टोरेंट में जाकर रुकते हैं,
ताकि वो पुलिस को फ़ोन कर सके, लेकिन रेस्टोरेंट के टेलीफोन पर पहले ही डेरी के लिए किसी का फ़ोन आ जाता है। फ़ोन की दूसरी तरफ एक औरत डेरी से कहती है कि उस शैतान क्रीपर ने डेरी की गंध सूंघ ली है और वो उसे कहीं से भी ढूंढ कर मार डालेगा। वो क्रीपर जिसे भी सूंघ कर पसंद कर लेता है उसे मार डालता है। और वो औरत डेरी को एक गाना सुनाती है और कहती है कि अगर ये गाना कहीं भी सुनाई दे तो समझ लेना कि क्रीपर आसपास ही है और वहाँ से भाग जाना। डेरी जो कि पहले से ही डरा हुआ था वो कॉल को कट करके पुलिस को फ़ोन करता है और जल्दी ही पुलिस वहाँ आ जाती है। डेरी पुलिस को वो सब बातें बताता है जो कि उसने चर्च के तहखाने में देखी थी और पुलिस के साथ साथ ट्रिज भी डेरी की बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस ऑफिसर बाकी के पुलिस वालों को चर्च की जांच पड़ताल करने के लिए भेज देती है। तभी रेस्टोरेंट की वेट्रेस उन्हें बताती है कि बाहर एक डरावना सा आदमी ट्रिज और डेरी की कार का सामान बाहर निकाल कर फेंक रहा था और वो डेरी के कपड़ों को सूंघ रहा था। सभी बाहर जाते हैं और देखते हैं कि डेरी के कपड़े बाहर पड़े हैं। अब पुलिस को भी लग रहा था कि डेरी शायद सच बोल रहा है और पुलिस उनकी सेफ्टी के लिए डेरी की कार के पीछे पीछे चल देती है ताकि उन दोनों को प्रोटेक्शन मिल सके। वायरलेस पर पुलिस के पास दूसरी टीम का मैसेज आता है और वो कहते हैं कि चर्च में भयानक तरीके से आग लगी है और आग को बुझाने के बाद ही वो चर्च में घुस सकेंगे। तभी डेरी की कार के रेडियो में वही गाना बजता है जो कि फोन वाली औरत ने बताया था और हम देखते हैं कि पुलिस की कार की छत पर क्रीपर खड़ा है। कार में बैठी फीमेल ऑफिसर खिड़की के बाहर देखती है, लेकिन क्रीपर उसे कार के बाहर खींच लेता है और कार ड्राइव कर रहा ऑफिसर कुछ समझ पाता। इतने में वो क्रीपर कार की छत में छेद करके उस ऑफिसर को बाहर खींच लेता है और अपनी धारदार एक्स से उसका गला काटकर सिर सामने की तरफ फेंक देता है जो कि सीधा ट्रिश और डेरी की कार पर गिरती है, जिससे कि वो दोनों डर जाते हैं और कार अनबैलेंस होकर रुक जाती है। दोनों बाहर देखते हैं कि क्रीपर पुलिस ऑफिसर की कार से निकलता है और पुलिस ऑफिसर का कटा हुआ सिर उठाकर उसकी जीबान अपने मुंह से खींचकर खा जाता है। ट्रिश और डेरी इस रूह कपा देने वाले नज़ारे को देखकर वहां से गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं और ड्राइव करते करते काफ़ी दूर निकल जाते हैं और वो सड़क के किनारे बने एक घर पर मदद मांगने के लिए रुकते हैं। वो एक ओल्ड लेडी से पुलिस को फ़ोन करने को कहते हैं, लेकिन क्रीपर वहाँ आ चुका था और वो उस ओल्ड लेडी को भी मार डालता है। ट्रिश डेरी को लेकर कार में बैठ जाती है और देखती है कि सामने क्रीपर खड़ा है और उसका अगला शिकार वो ही है, लेकिन ट्रिश कार से उस क्रीपर को कई बार कुचल देती है जिससे कि लग रहा था कि वो मर गया है। और वो देखते हैं कि क्रीपर का पैर पूरी तरह से कुचला जा चुका है, लेकिन क्रीपर की बॉडी में हलचल होती है और उसके शरीर से चमगादड़ जैसे पंख निकलने लगते हैं, जिसकी परवाह ना करते हुए ट्रिश एक बार फिर उसे कुचलकर आगे बढ़ जाती है। रात काफ़ी हो चुकी थी। डेरी और ट्रिश पोहो शहर के पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने घर फ़ोन करते हैं। तभी जिजल नाम की औरत वहाँ आती है जिसे ऑफिसर टब भगाने की कोशिश करता है क्योंकि जिजल भूत प्रेत में विश्वास रखती थी, लेकिन जिजल वहाँ से नहीं जाती। वो बताती है कि उसी ने रेस्टोरेंट में कॉल किया था क्योंकि उसने अपने सपने में डेरी को उस तहखाने में जाते हुए देखा था। जिजल क्रीपर के बारे में उन्हें बताती है और कहती है कि हर 23 साल में 23 दिनों के लिए वो शैतान क्रीपर अपनी नींद से जाग जाता है और 23 दिनों तक वो इंसानों के जिस्म के कुछ चुनिंदा हिस्से खाता है, वो भी कुछ चुने हुए लोगों के। वो फेफड़े खाता है ताकि सांस ले सके, आंखें खाता है ताकि देख सके। उसे मारा नहीं जा सकता क्योंकि वह इंसानों के शरीर को खाकर खुद का शरीर पूरा कर लेता है। जिजल बता ही रही थी कि तभी क्रीपर का ट्रक पुलिस स्टेशन के बाहर आता है और उसमें से क्रीपर लंगड़ाते हुए बाहर निकलता है क्योंकि कार की टक्कर के कारण उसकी एक टांग टूट चुकी थी। अंदर पुलिस स्टेशन की बिजली चली जाती है और अंदर अफरा तफरी मच जाती है। ऑफिसर टब्स इमरजेंसी लाइट ऑन करवाकर पुलिस स्टेशन लॉक करवा देता है और एक ऑफिसर को पुलिस लॉकअप में बंद कैदियों की निगरानी के लिए भेजते हैं। वो ऑफिसर कैदियों की गिनती कर ही रहा था कि एक कोने में टॉर्च की लाइट मारता है जहाँ पर क्रीपर उसे एक कैदी का पैर खाता दिखता है और वो उस पुलिस ऑफिसर पर भी हमला कर देता है। इधर ऑफिसर टब ट्रिश और डेरी को सेफ रूम में जाने को कहते हैं, लेकिन जिजल उनसे कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। उसने अपने सपने में क्रीपर द्वारा डेरी को किसी अंधेरे कमरे से उठाता देखा है। तभी ऑफिसर टब्स को वायरलेस पर मैसेज आता है कि उस दरिंदे ने एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया है और वो ऊपर की तरफ आ रहा है। सभी पुलिस ऑफिसर हथियार लेकर सीढ़ियों पर क्रीपर का इंतजार करते हैं, लेकिन क्रीपर एक पुलिस ऑफिसर का दिल निकालकर खा लेता है। डेरी ट्रिश और जिजेल ऊपर सेफ रूम की तरफ भागते हैं जहां डेरी जिजेल से पूछता है कि क्या उसके सपने कभी गलत होते हैं, लेकिन जिजेल इसका कोई जवाब नहीं देती। ट्रिश उसे पागल कहकर वहां से डेरी को लेकर इंटरोगेशन रूम में आ जाती है। वहां वन वे मिरर से क्रीपर उन दोनों को देख रहा था और कुछ ही देर में दरवाज़ा तोड़कर वो इंटरोगेशन रूम में आ जाता है।
वो डेरी और ट्रिश को पकड़कर बार बार उन्हें सूंघता है और ट्रिश को एक तरफ धक्का दे देता है। तभी पुलिस फोर्स वहां आ जाती है। क्रीपर ने डेरी को पकड़ा हुआ था। ट्रिश क्रीपर को डेरी के बदले खुद को ऑफर करती है, लेकिन क्रीपर अपने भयानक रूप में आकर खिड़की से डेरी को अपने साथ उड़ा ले जाता है और ट्रिश बस आसमान की तरफ देखती रह जाती है। सीन कट होता है और सुबह हो चुकी थी। ट्रिश अपने भाई को न बचा पाने के गम में बैठी हुई थी। तभी जिजल वहाँ आती है और ट्रिश वही सवाल उससे करती है जो कि डेरी ने किया था, कि क्या उसके सपने कभी गलत होते हैं। जिसका जवाब देते हुए जिजल कहती है कि वो बस पागल औरत है और वहाँ से चली जाती है। इधर एक बंद पड़ी फैक्ट्री दिखाई जाती है जिसके अंदर वही गाना रिकॉर्ड प्लेयर पर बज रहा था और डेरी की खाल उसके शरीर से निकाल कर क्रीपर ने टांग दी थी, जिसकी दोनों आंखें गायब थी। यानी कि क्रीपर डेरी की आंखें खाना चाहता था और मूवी का पहला पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस मूवी के आगे की स्टोरी पार्ट 3 में कंटिन्यू होती है और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग यही पार्ट फिट बैठता है। दरअसल होता यह है कि वो शैतान क्रीपर डेरी को उठाकर ले जा चुका था और उस पुलिस स्टेशन पर कई सारी पुलिस फोर्स वहाँ आ चुकी थी। वो सभी क्रीपर के छोड़े हुए ट्रक को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहाँ एक पुलिस ऑफिसर क्रीपर के ट्रक में बने हुए ट्रैप से घायल हो जाता है। ट्रक के अंदर कई सारे हथियार और डेड बॉडीज मिलती है। अचानक उस ट्रक के साइलेंसर से एक स्पेयर निकलकर पुलिस की कार में जा घुसता है। तभी वहाँ शेरिफ डेन आ जाते हैं, जो कि क्रीपर के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। दो ऑफिसर क्रीपर के ट्रक को कहीं पर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। तभी अचानक क्रीपर वहाँ आ जाता है और अपनी धारदार एक्स के एक ही वार से अपना ट्रक छुड़वा लेता है। क्रीपर अपने ट्रक के ऊपर खड़ा था और हैरानी की बात यह है कि वो ट्रक ऑटोमेटिकली चल रहा था। तभी वो क्रीपर वापस आता है और एक डिप्टी ऑफिसर को वापस उठाकर ले जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरे सीन में एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम गैलन था और वो अपने अडॉप्टेड ग्रैंड डॉटर एडिसन के साथ रहती थी। गैलन एक डिप्रेस्ड औरत थी जो कि अपने बेटे की मौत के बाद से काफी डिप्रेशन में रहती थी। गैलन का बेटा और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जिसकी कार पर क्रीपर का कटा हुआ हाथ गिरा था। गैलन का बेटा क्रीपर के कटे हुए हाथ को अपने साथ ले आया था जो कि जिंदा था। वो उस हाथ को अपने फार्म हाउस में गाड़ देता है और जब क्रीपर अपना कटा हुआ हाथ वापस लेने आता है तो वो उसे वहां नहीं मिलता और वो गैलन के बेटे को मार डालता है। गैलन के बेटे को मरे हुए 23 साल हो गए थे, लेकिन उसका बेटा आज भी उसे दिखता है। वो उसे कहता है कि क्रीपर अपना हाथ वापस लेने जरूर आएगा, क्योंकि वही एकमात्र सबूत है जिससे कि क्रीपर की ओरिजिन का पता लगाया जा सकता है। सीन यहीं कट होता है और हम चार बाइकर्स को देखते हैं जिन्हें जंगल में क्रीपर का ट्रक दिखता है और वो उस ट्रक की जाँच पड़ताल करते हैं, जिससे कि एक बाइकर उस ट्रक के ट्रैप से बाल बाल बचता है। उन्हें अंदर बहुत सारी लाशें दिखती है जिससे डरकर वो वहाँ से अपनी बाइक पर भागते हैं, लेकिन उस ट्रक के साइलेंसर से वही स्पेयर बाहर आता है और एक बाइकर के पैर में जा घुसता है और स्पेयर उस बाइकर को उस ट्रक के पास वापस ले आता है। बाकी के बाइकर्स वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रीपर अपना स्पेयर उनकी तरफ फेंकता है जिससे कि वो स्पेयर दो बाइकर्स के शरीर के आर पार एक ही बार में घुस जाता है। इधर गैलन अपने फार्म में क्रीपर के जमीन में गड़े हुए हाथ को निकालती है और देखती है कि वो 23 साल बाद भी जिंदा है। क्रीपर का हाथ गैलन के हाथ को पकड़ लेता है और उसे हवा में लटका देता है, जिससे कि क्रीपर और गैलन के बीच कुछ कम्युनिकेशन होता है और गैलन को पता चल जाता है कि क्रीपर आखिर कौन है और वो चाहता क्या है। तभी शेरिफ डैन वहाँ पर आ जाते हैं और वो भी क्रीपर के हाथ से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि डैन को भी क्रीपर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सीन चेंज होता है। एडिसन अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रक में बैठी थी। तभी क्रीपर से बचकर एक बाइकर एडिसन की खिड़की से टकराता है और हम देखते हैं कि क्रीपर एडिसन को उसके ट्रक से उठाकर ले जाता है और बांधकर अपने ट्रक में पटक देता है। डैन को क्रीपर के ट्रक की लोकेशन मिलती है और वो उसे रोकने के लिए जाता है। ऑफिसर टब अपनी गन से ट्रक के टायर पर फायर करता है, लेकिन गन की बुलेट बाउंस होकर वापस आ जाती है। सामने से डैन की टीम का एक व्यक्ति मशीन गन से क्रीपर के ट्रक पर फायर करता है, लेकिन इस बार भी बुलेट बाउंस होकर रिटर्न आ जाती है और डैन की टीम का वो आदमी भी मारा जाता है। क्रीपर के ट्रक से एक वेपन निकलता है जो कि डैन की कार को पलट देता है। ऑफिसर टब बाहर आकर क्रीपर पर अपनी गन से हमला करता है, लेकिन बुलेट उसकी टोपी उड़ा देती है, जिससे कि क्रीपर काफी गुस्सा हो जाता है और ऑफिसर टब्स की गन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑफिसर डैन मशीन गन से क्रीपर पर फायर करता है। तभी क्रीपर उसकी तरफ छलांग मारता है, जिससे कि क्रीपर को कई सारी गोलियां लगती है,
लेकिन वो डैन को मार देता है, जिससे कि क्रीपर की ओरिजिन की जानकारी भी ऑफिसर डैन के साथ खत्म हो जाती है। क्रीपर वापस अपने ट्रक की तरफ जाता है जहाँ एडिसन बंधी हुई थी। क्रीपर एडिसन की तरफ जाता है, लेकिन ट्रक के ट्रैप में क्रीपर खुद ही फंस जाता है और घायल हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर एडिसन वहां से भाग जाती है। ट्रक के ट्रैप में फंसने के कारण क्रीपर के विंग्स डैमेज हो जाते हैं और उसकी एक आंख भी निकल जाती है, जिससे कि वो उड़ नहीं पाता और वो अपनी स्पेयर से एडिसन की तरफ निशाना लगाता है, लेकिन एक आंख न होने के कारण उसका निशाना बार बार चूक जाता है। क्रीपर अपनी धारदार एक्स लेकर एडिसन की तरफ भागता है, लेकिन सड़क पर एक ट्रक क्रीपर को कुचल देता है और एडिसन अपने घर आ जाती है। क्रीपर एडिसन को ढूंढता हुआ एडिसन के घर जाता है, जहां उसे अपना कटा हुआ हाथ एक बोर्ड के साथ मिलता है, जिस पर लिखा हुआ था कि हम जानते हैं कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। क्रीपर उस बोर्ड को देखकर बहुत ही नाराज होता है और एक जोरदार चीख के साथ उसके कटे हुए हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्रीपर की चीख इतनी भयानक थी जिसे सुनकर कई सारे पक्षी मरकर जमीन पर गिर जाते हैं और रात यहीं खत्म हो जाती है। अगली सुबह एडिसन अपने बॉयफ्रेंड बडी को उसके स्कूल के एक स्पोर्ट्स इवेंट के लिए विशेष देती है और बडी अपनी स्कूल बस में बैठ जाता है और मूवी का थर्ड पार्ट यहीं एंड हो जाता है और यहाँ से मूवी का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में बताया जाता है कि वो शैतान यानी कि क्रीपर हर 23 साल में 23 दिनों के लिए जागता है और आज 23वां यानी कि आखिरी दिन है। हम देखते हैं कि टैगेट नाम का एक आदमी अपने छोटे बेटे बिली को खेत में स्केयरक्रो ठीक करने के लिए भेजता है, जबकि उसका बड़ा बेटा जैक उसकी कार ठीक कर रहा होता है। बिली खेत में 3 स्केयरक्रो देखता है, जिसमें से एक उसे काफी अजीब लग रहा था। उसके बड़े बड़े नाखून थे और वो हिल भी रहा था, जिससे कि बिली डर जाता है और वो डर के मारे वहां से भागता है। वो मदद के लिए अपने बड़े भाई को आवाज लगाता है, जिसे सुनकर जैक अपने डैड के साथ बिली को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तब तक क्रीपर बिली को उड़ाकर ले जा चुका था और टैगेट उसे बस देखता रह जाता है। सीन यही कट हो जाता है और वही स्कूल बस दिखाई जाती है, जिसमें कि लास्ट पार्ट में बडी बैठा था, लेकिन बडी का इस पार्ट में कोई रोल नहीं है क्योंकि ये पार्ट थर्ड पार्ट के पहले रिलीज हुआ था। खैर हम आगे चलते हैं। यहाँ एक स्कूल बस हाईवे से दूसरे शहर एक स्पोर्ट्स इवेंट्स में जा रही थी, लेकिन बस के टायर में क्रीपर का वेपन लगता है और बस का टायर फट जाता है। बस के अंदर रेडियो में न्यूज आती है कि 4 दिन पहले पुराने चर्च के तहखाने से 300 से ज्यादा लाशें मिली है, जिसमें कई लाशें 200 साल से भी पुरानी है, यानी कि डेरी की मौत को 4 दिन बीत चुके हैं। बाहर बस की ड्राइवर बेटी बाकी की टीचर्स के साथ बस का टायर चेक करते हैं, जहां उन्हें अजीब सा वेपन दिखता है जो कि क्रीपर का था और जिसमें एक इंसानी दांत धसा हुआ था। इधर टैगेट के बेटे जैक को अपने फार्म में क्रीपर का एक खंजर मिलता है, जिससे कि टैगेट क्रीपर को मारकर अपने बेटे की मौत का बदला लेने वाला था। इधर वो बस बाकी के टायरों से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि तभी मिक्सी नाम की एक लड़की बस की विंडो का सहारा लेकर सो रही थी और उसे विजन आता है, जिसमें सड़क के किनारे उसे डेरी और बिली की स्पिरिट दिखती है जो उसे वापस जाने को कह रही थी। और पीछे से क्रीपर आता है और अपना वेपन बस की तरफ फेंकता है, जो कि सीधा बस के टायर में लगता है और असलियत में बस का टायर कट जाता है, जिससे कि बस वहीं रुक जाती है। सभी बस से उतरकर टायर चेक करते हैं, लेकिन क्रीपर एक एक करके बस की ड्राइवर बेटी और बाकी के 2 टीचर्स को भी उठा ले जाता है। सभी स्टूडेंट्स भागकर बस में चढ़ जाते हैं और बस को अंदर से लॉक कर लेते हैं। बकी नाम का एक लड़का बस के रेडियो से मदद की पुकार लगा रहा था, जिससे कि टैगेट अपने रेडियो पर सुन रहा था। बस में सभी को कुछ हथियार मिलते हैं जो कि कुछ काम के नहीं थे। स्कॉट नाम के एक लड़के को कुछ ही दूरी पर एक फार्म हाउस दिखता है और वो मिक्सी जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी उससे कहता है कि उन्हें उस बस से निकलकर उस फार्म हाउस में जाना चाहिए। तभी मिक्सी देखती है कि बस के पास ही क्रीपर खड़ा है और सभी को दूर से सूंघ रहा था। वो बस के ही एक मेंबर को देखकर अपनी जुबान उसकी तरफ निकालता है, जिसका मतलब यह था कि वो अपना शिकार चुन चुका है। मिक्सी अचानक बेहोश हो जाती है और उसे फिर विजन आता है, जिसमें वो डेरी को वापस देखती है। वो उसे बताता है कि क्रीपर हर 23 साल में 23 दिनों के लिए खाता है, जो कि हम सबको पता है, लेकिन बस में बैठे लोगों को नहीं। मिक्सी को होश आता है और सभी को इस बारे में बताती है, लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता। वो ये भी बताती है कि क्रीपर अपने शिकार के डर को सूंघ लेता है और उसे कहीं से भी ढूंढ निकालता है। इधर टैगेट अपने बेटे के कातिल यानी कि क्रीपर को हाईवे पर ढूंढ रहा था, तभी उसे रास्ते में एक एक्सीडेंटल कार दिखती है, जिसके रेडियो सिस्टम पर लगातार संदेश आ रही थी, जो और कोई नहीं उसी बस से बकी भेज रहा था।
टेगेट उसे कहता है कि वो चिंता ना करें और वो उसकी बताई हुई जगह पर उससे आने का वादा करता है, जिससे बकी और बाकी के बस मेंबर्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी क्रीपर बस की छत पर आ जाता है और बस की छत से एक होल करके बकी के सिर को पकड़ लेता है। मिक्सी बकी को बचाने के लिए लोहे की रॉड से कई सारे वार क्रीपर पर करती है, जिससे कि रॉड क्रीपर के सिर में जा घुसती है और वो घायल होकर बकी को छोड़ देता है। वो लोहे की रॉड क्रीपर के सिर के आर पार हो गई थी, जिसे क्रीपर बड़े भयानक तरीके से निकालता है, जिससे कि क्रीपर के सिर का एक हिस्सा खराब हो जाता है। क्रीपर वहां से भागने के लिए ऊपर हवा में उड़ता है, लेकिन घायल होने की वजह से वो वापस बस की छत पर बहुत ही ऊंचाई से गिर जाता है, जिससे कि बस की छत में गैप हो जाता है और उसका एक पंख बस के अंदर लटकने लगता है, जिससे कि वो बस में एक लड़के को पकड़ लेता है और अपना डैमेज सिर उसके सिर को खाकर रिप्लेस कर लेता है। सभी लोग उस फार्म हाउस की तरफ भागते हैं, लेकिन असल में वहां कोई फार्म हाउस नहीं था। क्रीपर बस में ही बैठे बकी की तरफ आता है कि तभी टैगेट अपने हथियारों से लैस ट्रक में वहां आ जाता है और अपने बनाए हुए वेपन से क्रीपर पर हमला कर देता है, जो कि क्रीपर के ही एक वेपन से बना एक स्पेयर था। स्पेयर क्रीपर के आर पार हो जाता है और उसके स्पेयर से एक बहुत ही मजबूत वायर बंधा हुआ था, जिससे कि वो क्रीपर को पकड़ लेता है। लेकिन क्रीपर इतना ताकतवर था कि टैगेट के ट्रक को ही खींच रहा था। क्रीपर उस स्पेयर को हवा में ही निकाल देता है और सीधा टैगेट के ट्रक पर निशाना लगाता है, जिसे कि टैगेट का बेटा जैक चला रहा था। लेकिन जैक बाल बाल उससे बच जाता है। टैगेट एक वो निशाना उसी स्पेयर से क्रीपर की तरफ लगाता है, जो कि उनकी ही तरफ आ रहा था। लेकिन क्रीपर इतना ताकतवर था कि वो टैगेट के ट्रक को बस के साथ ही पलट देता है। इधर स्कॉट बाकी लोगों के साथ खेत में था, जहां उसे वही एक्सीडेंटल कार दिखती है। एक लड़का कार के पीछे बैठता है, जो कि ओपन थी, और स्कॉट कार तेजी से भगा रहा था, लेकिन क्रीपर उनके बहुत ही नजदीक था। स्कॉट अचानक कार का ब्रेक लगाता है, जिससे कि क्रीपर कार से टकरा जाता है और कार पलट जाती है। कार की टक्कर से क्रीपर घायल हो गया था और उसका एक हाथ टूट चुका था, जिससे कि वो कूदते हुए उस लड़के की तरफ आता है और वो उसे खाने ही वाला होता है। तभी टैगेट फिर से उसके सिर में स्पेयर घुसा देता है, जिससे कि क्रीपर पीछे गिर जाता है और टैगेट गुस्से में अपने बेटे के कातिल यानी कि क्रीपर के शरीर में कई बार हमला करता है। लेकिन क्रीपर को कोई असर नहीं हो रहा था और रात खत्म होने के साथ साथ क्रीपर भी कोलैप्स हो जाता है और गहरी नींद में सो जाता है, क्योंकि 23वां यानी कि आखिरी दिन खत्म हो चुका था और टैगेट का रिवेंज अधूरा ही रह जाता है। यह सीन यहीं कट हो जाता है और हम देखते हैं कि 23 साल बाद भी टैगेट क्रीपर की कोलैप्स बॉडी को बांधे हुए था और उसके उठने का इंतजार कर रहा था, जिसमें सिर्फ 3 ही दिन बचे हुए थे। मूवी की एंडिंग सीन में कोई क्रीपर पर रिसर्च कर रहा था और उसे यह भी पता था कि टैगेट ने उसे अपने फार्म हाउस में बांध कर रखा हुआ है, और ये और कोई नहीं डेरी की बड़ी बहन ट्रिश थी, और वो अपने भाई की मौत के बदले की आग में जल रही थी। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी के 3 पार्ट बनने के बाद भी डायरेक्टर ने क्रीपर के ओरिजिन के बारे में क्लियर नहीं किया कि वो कौन है और आखिरकार आया कहां से है। लेकिन डायरेक्टर ने मूवी का एक ऐसा एंड छोड़ा है, जिससे कि सभी को अगले पार्ट का इंतजार रहेगा। अगर हम क्रीपर की बात करें तो क्रीपर एक एंशिएंट क्रीचर है, जिसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस को चर्च से जो लाशें मिली थी वो 300 से भी ज़्यादा साल पुरानी थी, और उसके वेपन पर भी हमें एंशिएंट सिंबल दिखते हैं। क्रीपर अपने वेपन खुद ही बनाता था, जो कि इंसानों की हड्डियों से बने होते हैं। क्रीपर के ट्रक की बात करें तो एक काउ कैचर यानी कि मवेशी पकड़ने वाला पुराना ट्रक है, जो कि काफ़ी मजबूत है। और यह भी हो सकता है कि क्रीपर एक नर्क से आया कोई पिशाच हो, क्योंकि पार्ट 2 में हमें एक छोटा सा हिंट मिलता है। मूवी की बात करें तो डायरेक्टर ने 1980s के टाइम पीरियड को स्क्रीन पर दिखाया है, जो कि मूवीज में यूज हुई कार के मॉडल से पता कर सकते हैं, और मूवी की एंड यानी कि 23 साल बाद को प्रेजेंट में दिखाया। मूवी के पार्ट 1 को पार्ट 3 कंटिन्यू करता है और पार्ट 2 मूवी सीरीज का एंड है, लेकिन ट्रिश वाला सीन पार्ट 3 के एंड में था, इसीलिए मैंने आपके लिए एक अरेंज टाइमलाइन में मूवी को एक्सप्लेन किया। हमने एंड में टैगेट को देखा, जो कि बूढ़ा हो चुका था, और ट्रिश उसके बारे में पढ़ रही थी। अपने छोटे बेटे की मौत का बदला लेने के लिए क्रीपर के उठने का इंतजार कर रहा है, ताकि वो उसे मार सके। अगर इस मूवी का अगला पार्ट आता है तो ट्रिश को टैगेट के बेटे जैक के साथ देख सकते हैं, क्योंकि टैगेट बूढ़ा हो चुका था और हो सकता है क्रीपर की जब नींद खुले तो टैगेट को मार दे। क्रीपर के ओरिजिन के बारे में डैन और गैलन जान चुके थे। डैन की तो मौत हो जाती है, और यह भी हो सकता है कि गैलन ने ट्रिश को क्रीपर के ओरिजिन और उसकी असलियत के बारे में बता दिया हो। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि और भी वीडियोस आने वाली है।